खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर में पैम्पलेट छपवाकर बांटने के आरोप में एक युवक को पकड़ने पर भाजपा के बागी प्रत्याशी समेत करीब एक दर्जन से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा से बागी होकर मनोज श्रीवास्तव चुनावी मैदान में है। पर्चे को बाइक से एक युवक बांट रहा था, जिसे बांटते हुए पकड़ लिया गया। 11 मई को नगर निकाय की दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के पूर्व पर्चा के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। मनोज श्रीवास्तव ने विरोधी दल पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरोपी से डरने या झुकने वाले नहीं है। रात में युवक को हिरासत में ले जाने के बाद भाजपा नेता थाने पर पहुंचे। राजनीतिक दबाव के चलते मनोज श्रीवास्तव, अंकुश श्रीवास्तव, रविशंकर साहू, मनोज दमकल, मोहित गुप्ता एवं अमित साहू के साथ 5 से 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। मिर्जापुर स्थानीय निकाय नगर पालिका परिषद के चुनाव में जिस प्रकार से नगर की सम्मानित मतदाता बंधु जातिगत, दलगत, पंथ, संप्रदाय, मजहब से ऊपर उठ करके शंखनाद कर रहे हैं, उससे बौखलाई भारतीय जनता पार्टी के कतिपय नेता मेरे खिलाफ कल रात्रि में 2 बजे एक मुकदमा लिखवाए हैं। मेरे से इच्छा कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लिखा गया है। हकीकत यह है कि दुष्प्रचार की टीम लगभग 500 लोगों की भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से बुला करके यहाँ लगाई हुई है। वो टीम एक पत्रक बांट रही थी, स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया, मेरे चुनाव कार्यालय लाए। मैंने डिप्टी SP COCT को फ़ोन करके बताया, संतोष सिंह SI आए, पत्रक सहित उसको पकड़ कर ले गए। मेरी तहरीर नहीं लिखी गई, लेकिन मेरे सहित अन्य 6 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा कायम हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से ये अपील कर रहा हूँ कि यह बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी, हताश निराश भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दिन मतदान केंद्र को भी प्रभावित कर सकती है और चुनाव परिणाम काउंटिंग के दिन भी उसको प्रभावित करेगी। चुनाव आयोग से हम मांग कर रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट आचरण वाले नेताओं को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। जय मां विंध्यवासिनी, सभी नगर वासियों को नमस्कार। आपका अपना सेवक मैं रत्नाकर मिश्र, नगर विधायक विंध्यधाम मिर्जापुर, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कल 11 तारीख को होने वाले नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन पद के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री श्याम सुंदर केसरी को 3 नंबर खाना में देकर कमल के फूल पर विजय श्री दिलाएं एवं सभी सभासदों को अपना कमल के फूल पर आशीर्वाद रूपी वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। यह श्याम सुंदर की जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। श्याम सुंदर की जीत आपका सेवक रत्नाकर मिश्र की होगी। मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि जिस हिसाब से मैंने नगर का विकास कार्य किया, उसी हिसाब से यह मेरे ट्रिपल इंजन की सरकार में श्याम सुंदर भी करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, जय भारत सभी। मिर्जापुर से आशीष पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।